इधर देश में कोरोना का मीटर तेजी से भाग रहा है। बावजूद उसके बरेली में कांग्रेस पार्टी ने लड़कियों के मैराथन का आयोजन किया, लेकिन इस मैराथन में भगदड़ मच गई। उसके बाद चीख पुकार मच गई, कई लड़कियां बुरी तरह से जख्मी भी हुई हैं। स्थिति जो उत्पन्न हुई थी उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जब ये सवाल पूछा गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, तो एक महिला नेता सामने आ गई और उन्होंने न सिर्फ इसको साजिश से जोड़ दिया बल्कि ये कह दिया कि देखिए वैष्णो देवी में भी तो हुई थी भगदड़। इन तस्वीरों पर पहली नजर पड़ते ही सिहरन होती है। लड़कियों का पारावार उमड़ा था, मैराथन शुरू हुई और चीख पुकार मच गई। जान बचा कर भागी, किसी के शरीर को कुचलते हुए, किसी की पीठ पर चलते हुए, ऐसी भगदड़ कि लड़कियां जान बचा कर भागी। इस नारे के साथ प्रियंका गांधी ने इन लड़कियों में जोश, किसी के शरीर को कुचलते हुए, किसी की पीठ पर चलते हुए, जब इतनी तादाद में लड़कियां यहां पहुंच गईं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे के साथ प्रियंका गांधी ने इन लड़कियों में जोश तो भर दिया, लेकिन इस जोश में आयोजकों का होश खो गया। जब इतनी तादाद में लड़कियां यहां पहुंच गईं, ये बरेली की तस्वीर है जहां कांग्रेस की ओर से आयोजित लड़कियों के मैराथन में भगदड़ मची। कई छात्राएं दब गईं, जान बचाने के लिए लड़कियां एक दूसरे को उठाने में जुटी थीं। मैराथन शुरू होते ही कई लड़कियां एक के बाद एक गिरी। रेस शुरू हो चुकी थी, लिहाजा पीछे से आ रही लड़कियों की भीड़ ने आगे खड़ी लड़कियों को कुचलना शुरू किया। इस दौरान चीख पुकार मच गई। कांग्रेस सेवा दल और आयोजकों में शामिल लोग बच्चियों को बचाने के लिए उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुजूम इतना भयानक था कि सड़क पर गिरी बच्चियों को बचाना मुश्किल हो रहा था। बिखरे हुए जूते बताते हैं कि स्थिति कितनी बदतर हो गई थी। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से 3 छात्राओं को अस्पताल भेजा गया। वहीं शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर जांच करने पहुंची। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने इस भगदड़ को न केवल वैष्णो देवी हादसे से जोड़ा बल्कि इसे किसी की साजिश भी करार दे दिया। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़े। यहाँ तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। कोई बात, जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं, मैं तो ये भी कहूँगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसका चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो, ये प्लांटेड लोग थी और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देख कर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। इस आयोजन में पहले प्रियंका गांधी के आने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया गया क्योंकि प्रियंका ने खुद को आइसोलेट किया है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बच्चियों के लिए इतनी भीड़ वाला आयोजन किया जहां किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। और बच्चियां जब एक दूसरे पर गिर रही हो तब सोशल डिस्टेंसिंग कहां ही रह जाती है। यही नहीं, जब अराजकता फैली तो वहां मौजूद लोग मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट करने पर उतारू हो गए। इसके लिए कांग्रेस नेता ने माफी भी मांगी, लेकिन बद इंतजामी से बच्चियों की जिंदगी को खतरे में डालने से आयोजक बच नहीं सकते क्योंकि सीधे सीधे लड़कियों की जिंदगी को खतरे में डाला गया। कृष्ण राज, बरेली, आज तक।